हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 13, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। मींस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन करते हैं नाइट्रोजन एटम को। ओके, इसमें आपको पढ़ना है, आपको पता है आपके 2020 और 21 के सिलेबस से में केवल एमीन लेसन का डाइजोनियम साल्ट ही सिलेबस में सेलेक्ट किया गया है, बाकी सब सिलेबस से आपके हटा दिया गया है। ओके, तो इस टॉपिक को जो कि आपकी बोर्ड की एग्जाम के बेस पे बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने आपके पास दो पीडीएफ सेंड किया था जिसमें जनरल नामक्लेचर एंड आईपीसी नामक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन एटम आपके पास सेंड किया था, आपने उसको नोट कर लिया होगा। और सेकेंड पीडीएफ में हमने आपके पास सेंड किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कुछ प्रोसेसेस। ओके, नाउ आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो आपका है डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन मैंने आपको इसके पहले वाले पीडीएफ में आपके पास सेंड कर दिया था। आपको आज पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट की कैसी प्रॉपर्टीज होती है इसको आपको पढ़ना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पहले समझ लीजिए, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर वन है इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। मींस आप स्ट्रक्चर में देखे होंगे कि डाइजोनियम साल्ट जो है एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड की यही इंपॉर्टेंस होती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में नंबर वन कि इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच इज कलरलेस, तो कैसा होता है कलरलेस होता है। आगे सेकेंड आपका है इट इज highly soluble in water। water means इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत तेजी से वाटर में ये घुल जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है इट इज नॉट आइसोलेटेड। मीन्स डाइजोनियम साल्ट को पहले से बना के हम लोग नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि ये इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। वी कैन से दैट इट इज मोर रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, और सम टाइम्स दैट इज एक्सप्लोसिव है, विस्फोट कर सकता है, फट सकता है जिस कंपाउंड जिस बॉटल में रखा रहेगा। ओके, इसलिए हम लोग एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, बना के पहले से नहीं रखते हैं। जैसे दिया गया नॉट आइसोलेटेड। ओके, आइसोलेट पहले से नहीं करते। हाँ, इसको क्या करते हैं, जब कोई रिएक्शन प्रोसीड की जाती है और उसमें रिक्वायरमेंट होती है डाइजोनियम साल्ट की, तो हम उसी रिएक्शन के प्रोसेस में ही उसको बीच में केमिकल्स मिला के उसको बना लेते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इन सेतु वर्ड आपको चैप्टर नंबर 10 में मिला था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलो एल्केन्स में। What is the meaning of in situ? In situ मतलब क्या होता है? In situ मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जो किसी रिएक्शन के प्रोसीड होने में जिस कंपाउंड की जरूरत रिक्वायरमेंट है उसको उसी प्रोसेस में ही आइसोलेट कर लिया जाए, बना लिया जाए, वो कहलाता है प्रोसेस आइसोलेशन। ओके स्टूडेंट, आपको पता हो गया होगा उसके प्रॉपर्टी में कि डाइजोनियम साल्ट को हम पहले से आइसोलेट नहीं करते हैं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव एक्सप्लोसिव है, किसी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग हम इसको बीच में ही इसका आइसोलेशन कर लेते हैं। ओके, और तो यूज हो जाती है उसे रिएक्शन। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइजोनियम साल्ट। तो जैसा कि हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है टू स्टेप में होती है, दो टाइप के होती है। या डाइजोनियम साल्ट हमने पढ़ा
कि डायजोनियम साइड, डायजोनियम साइड इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है टू टाइप से हो सकती है। पहला क्या है आपका रिमूवल ऑफ एन टू गैस, मीन्स कि डायजोनियम साइड में से एक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऐसी हो सकती है कि जो इसके रिमूवल से होती है। और आपको पता है एन टू क्या बोल सकते हैं, आर वी कंसीडर आर द रिमूवल ऑफ डाई एजो ग्रुप, तो बात दोनों हुई है डाई एजो ग्रुप। और सेकेंड रिएक्शन हमारी फर्स्ट रिएक्शन ये थी रिमूवल ऑफ एन टू गैस आर रिमूवल ऑफ डाई एजो ग्रुप, और सेकेंड हमारी है रिटेंशन ऑफ डाई एजो ग्रुप। तो आपने रिटेंशन पढ़ा हुआ है, रिटेनेशन होगा रिटेंशन रिटेनेशन ये पढ़ा आपने, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसा जैसे है वैसे, मीन्स इस पूरे प्रोसेस में आप एंटी एंटो ग्रुप जो है नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप जो है या डाई एजो ग्रुप है वो जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए, बाकी चेंजिंग कर दीजिए, ये प्रोसेस कहलाती है रिटेंशन। ओके, आज इसी में आपको पढ़ना है कपलिंग रिएक्शन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, कपलिंग रिएक्शन। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायजोनियम साल्ट इन व्हिच या व्हिच इज बेस्ड ऑन रिमूवल ऑफ एन टू ग्रुप्स या रिमूवल ऑफ डाई एजो ग्रुप्स। अब हम लोग पहले में पहली कैटेगरीज की रिएक्शंस को पढ़ते हैं जिसमें रिमूवल ऑफ डाई एजो ग्रुप्स है। तो बेसिकली इस ग्रुप में हम फोर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, अलग अलग ग्रुपों में अलग है, बट आप देखेंगे तो आपको स्टेप आगे पीछे हो सकता है पर चारों रिएक्शंस आपको मिलेगी। तो ये है वन पहले रिएक्शंस, ये हो जाएगी टू थ्री एंड फोर। ओके, तो डाई एजो ग्रुप के रिप्लेसमेंट के बेस पे हम लोग चार टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहला रिएक्शन हमारा क्या है, डीएमिनेशन रिएक्शन, डीएमिनेशन। ओके, डीएमिनेशन में क्या है, तो आप देख सकते हैं कि डाई एजो ग्रुप HCl को यहाँ होती है, ठीक है ना। डाई एजो ग्रुप की रिएक्शंस जो है ऑर्थो बोरिक एसिड प्लस क्यूप्रस, क्यूप्रस की प्रेजेंस में, क्यूप्रस मेटल है, क्यूप्रस की प्रेजेंस में H2O के साथ की जाती है, जिससे हमारा क्या होता है बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजीन। और H3BO की बोरिक एसिड रिमूव हो जाती है, और यहाँ क्या सकते हैं, या आप देख सकते हैं HCl, ठीक है ना, या आप CuCl दे सकते हैं, CuCl दे सकते हैं, ठीक है ना, कैसी CuCl भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हेतु कारण है। ओके, दिस इज नोन एज डीएमिनेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड, सेकेंड इज सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन आप यूनिट नंबर 10 में आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिंस में सेकेंड रिएक्शन जो आपने पढ़ी थी सैंड मेयर रिएक्शन पढ़ी थी। ओके स्टूडेंट, तो सैंड मेयर रिएक्शन में क्या है, आप देख सकते हैं कि ये है डायजोनियम साल्ट आपका, डायजोनियम साल्ट, हर डायजोनियम साल्ट इज ट्रीटेड विद क्यूप्रस क्लोराइड इन एसिड मीडियम। ओके, तो आपको पता है यहाँ से एंटो ग्रुप रिमूव हो जाता है और सीएल ग्रुप का अटैचमेंट हो जाता है। ओके, तो ये आपके आ गया, अटैच हो गया और बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिंस, वी कैन से दैट हेलो एरिंस। ओके, तो ये सब को आपने पढ़ाया था, इफ वी चेंज CuCl इन प्लेस ऑफ CuCl CuBr, क्यूप्रस ब्रोमाइड को अपने सेलेक्ट कर लें, मींस व्हेन डायजोनियम साल्ट ट्रीटेड विद क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl फिफ्थ ब्रोमोबेंजीन, इसका फॉर्मेशन होता है ब्रोमोबेंजीन। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड रिएक्शन आपकी है, जैसा मैंने बोला था फोर्थ रिएक्शन में
तो थर्ड रिएक्शन में आपकी है गाटरमैन रिएक्शन। तो गाटरमैन रिएक्शन में क्या है, व्हेन डायरेमियम साल्ट, व्हेन डायरेमियम साल्ट इज ट्रीटेड विद कॉपर कैटलिस्ट, कॉपर कैटलिस्ट प्रेजेंस इन लाइक कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्टेंट क्लोरोबेंजीन एंड एंड बेस। तो दिस इज द आल्सो द रीजन, आल्सो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स या क्लोरोबेंजीन। ओके, तो दोनों आप देख सकते हैं जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज आप रिमेंबर याद रखेंगे कि सेट मेयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन दोनों सेम टाइप के रिएक्शन हैं और दोनों ही रिएक्शन में हम हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन करते हैं, हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंड मेयर रिएक्शन एंड गाटरमैन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इन सैंड मेयर रिएक्शन क्यूबरस जो है ये लिक्विड के रूप में, सैंड मेयर रिएक्शन में CuCl में Cu जो है वो लिक्विड के रूप में क्यूबरस के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। बट इन गाटरमैन रिएक्शन, लेकिन गाटरमैन रिएक्शन में हम कॉपर को इसके रूप में, कॉपर को ये आप किस रूप करते हैं, सॉलिड के रूप में, ओके कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सैंड मेयर रिएक्शन एंड गाटरमैन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हिच इज बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ओके, नाउ सी दिस रिएक्शन इज गैम्बर-बैचमैन रिएक्शन। गैम्बर-बैचमैन रिएक्शन में बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं डाइअमोनियम सॉल्ट ट्रीटेड विद बेंजीन ड्यूरिंग दिस रिमूवल ऑफ एन टू ग्रुप रिमूव हो जाएगा और प्लस HCl एक रिमूव हो जाता है और दोनों ग्रुप आपस में ऐड हो जाते हैं, कपल बना लेते हैं, ऐड हो जाते हैं बाई एरिल प्रोडक्ट कह सकते हैं आप या बाई एरिल असेसमेंट। ओके, तो ये रिएक्शन आपका हो गया गाटरमैन को गैम्बर-बैचमैन रिएक्शन। ओके, तो ये आपने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा है, आपने केमिकल प्रॉपर्टी में आपने स्टडी किया रिमूवल ऑफ एंटो ग्रुप आर रिमूवल ऑफ डाई जो ग्रुप के रेफरेंस में जो फोर रिएक्शन थी आपने उसके बारे में जो है स्टडी किया। नेक्स्ट स्टडी आपकी है तो फोर रिएक्शन इसकी कैटेगरी से बिलोंग करती थी। अब सेकेंड स्टेप आपको पढ़ना है रिटेंशन ऑफ डाई जो ग्रुप, रिटेंशन ऑफ डाई जो ग्रुप। तो सबसे पहले इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेटिनेशन क्या है। ओके स्टूडेंट, तो रेटिनेशन में आपका है कि पूरे ग्रुप में, पूरे इस ग्रुप में ये देख सकते हैं आप डाई ये जो ग्रुप जो है एन पॉजिटिव। ओके, इस डाई जो भी हम साइड्स में देख सकते हैं कि इसका एन टू का कुछ भी ना हो, नो चेंजिंग। ओके, आप जब इसकी चेंजिंग करेंगे ये पोर्शन कहलाते हैं रिएक्शन आपकी या दैट रिएक्शन इन दैट कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन इन व्हिच डाइअमोनियम साल्ट रिएक्ट ओनली दिस रिएक्टेंट। ओके, नॉट टू एंड टू, मतलब ये जैसे है वैसे ही रहे, उस टाइप की या उस कैटेगरीज की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिटेनेशन ऑफ डाई एजो ग्रुप आर कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन को हम कल आपसे स्टडी करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आप लोग अपनी एनसीईआरटी बोर्ड से स्टडी कर लेना ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।